मुझे बोलने का समय दिया। आपके द्वारा इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभापति महोदय, आज पूरा सदन जो हमारी डिमांड से मांगे है वित्त मंत्री के जवाब आने के बाद, उस पर पूरा सदन चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो हमारी दोनों मांगे हैं आज, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जनजातीय पर विभिन्न मांगे जो विभिन्न सदस्यों ने हमारे यहाँ दी होगी, और दोनों विभागों में जो मांगे आई है, मैं कुछ बातें बस उन दोनों पे कहना चाहता हूँ जो उससे संबंधित है और जो विभाग की प्रयास और प्रगति का वर्ष 2023-24 का भी जो उल्लेख आपने किया था, उसमें से कुछ अंश जो है वो आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय, आज हमारे इस प्रदेश के अंदर विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभागों के अंदर सामाजिक न्याय और अधिकारिता का इतना बड़ा विभाग है और उसके अंदर विभिन्न योजनाएं जो छात्रों से लेकर, दिव्यांगों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, निष्क्रमीय पशुपालक हो उनके छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए सुविधा देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए, लाभान्वित करने के लिए इस विभाग को चलाया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान या राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद चुनी हुई सरकारें जब भी आई, तब भी हमने देखा है कि इस विभाग के माध्यम से जो समाज पीछे छूट गए उनको जोड़ने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम लोगों ने काम किया। आज हमारी स्थिति क्या बन रही है, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं सरकार को, सरकारें कोई भी रही हो, मगर हमने इस विभागों को चलाया, इसका संचालन कराया, विभिन्न योजनाओं में विभिन्न घोषणाएं की होगी, मगर इसको धरातल तक पहुंचाने के लिए जो कमियां हमारी रह गई, अगर उस पर हम कार्य नहीं करेंगे तो जो ये छात्र छात्राएं, ये जो दिव्यांग जो आपके भरोसे बैठे हैं, वो भविष्य में जो है हमको माफ नहीं कर पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको कि सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत क्या थे, सामाजिक न्याय के बारे में विश्व के बड़े जो थिंक टैंक थे, विश्व के बड़े जो लेखक थे, नेता थे, और हमारे देश के अंदर भी भले गांधी जी रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, अन्य जो भी हमारे नेता या लेखक रहे हो, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत रहे, और सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांतों में संसाधनों तक पहुंच, समानता, भागीदारी, विविधता और मानव अधिकार की बात हमने कही है, और ये राजस्थान सरकार जो है हमारे सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रमों में जब उसका प्रतिवेदन भी आता है तो उसमें इस बात को लिखती है। सभापति महोदय, आज ये जो छात्र, हमने किन छात्रों की बात हम कर रहे हैं, जो लोग, जो समाज, जो छात्र अग्रणी समाजों में नहीं आए, जिनको पढ़ा नहीं पा रहे थे, जिनको सहायता की जरूरत थी, अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग हैंड, सरकार की ओर देख रहे थे कि सरकार हमारी तरफ देखेगी, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, छात्रवृत्ति उसको भी मिलेगी, वो भी पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी नेता बनेगा, वो भी पढ़ लिख के जो है अपने परिवार, अपने कुल और अपने गांव का नाम रोशन करेगा, उसके लिए सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत विभिन्न योजनाओं में ये लोग लाभान्वित हो, दिव्यांग जो चल नहीं सकता है, जो फिर नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, जो मूवमेंट नहीं कर पाए, उसको सरकार की सहायता मिले, उसको महसूस हो कि इस दुनिया में मेरी तरफ देखने वाला कोई है और मुझे सहायता मिलेगी और मैं भी अग्रणी व्यक्तियों के साथ में आके आगे बढ़ूंगा, नौकरी लगेगी, कमाऊंगा, मेरा परिवार का जो है पालन पोषण मैं करूंगा, उसके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं जो है ये तय की हुई थी। आज मैं इस बात को मानता हूं, मैंने पहले ही कहा कोई भी सरकारें रही हो, मगर जो कमियां रही है वो तो कमियां है, और उस कमियां को हम पूरी नहीं करेंगे तो इस सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे वो इस सदन में आने के बाद में अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने विभिन्न वर्गों में और विभिन्न सेक्टर में छात्रावास खोले, आवासीय विद्यालय खोले, आज कई जगह 12वीं तक वो विद्यालय संचालित हो रहे, मगर उनके हाल क्या है, क्या हम मानते हैं कि उनको पूर्ण तरीके से वह भोजन जिस रूप में मिलना चाहिए वो मिल रहा है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है, उनके कपड़े, उनके जूते क्या उस रूप में हम दे पा रहे, उनको संचालन करने वाले अधीक्षक, वहां रहने वाला चौकीदार उस रूप में जितने लगाने हैं वो हम लगा पा रहे, और जहां नामांकन कम है वो नामांकन क्यों कम है उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा,
और यह भी तय करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर वाले बच्चे को अगर वह एडमिशन मिल रहा है और 100 किलोमीटर से आने वाला बच्चा एडमिशन चाह रहा है और उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो एडमिशन कैसे मिल पाएगा मंत्री जी? इस बात को भी हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और मैं इसी के माध्यम से आपको निवेदन करता हूं कि वो जो विद्यालय 12वीं तक संचालित हो रहे उन विद्यालयों को आप महाविद्यालय में परिवर्तित करो। कई जगह महाविद्यालय बनेंगे तो वो बच्चा 12वीं के बाद जार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं आसपास उन महाविद्यालयों में, उस सेक्टर में, उस सेक्शन में, उन वर्गों में जो आपने ये आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोले उसको पढ़ाई करने का वहां मौका मिल जाएगा। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जो हमारे स्टेट में कोचिंग करने के लिए छात्र आते हैं, जो हमारे बच्चे आते हैं, हम 12वीं तक उनको छात्रावासों में पढ़ा रहे हैं, वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े का बच्चा हो, 12वीं तक हमने छात्रावास दिए, आवासीय विद्यालय दिए, पर पढ़ाई करने के बाद में वो जब जयपुर आता है उसको कोचिंग करनी है, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उसको RSIS की तैयारी करनी है, तो वो बच्चा कहाँ जाता है? वापस उसको हाथ फैलाने पड़ते, वापस उसको तय करना पड़ता है कि मैं कहाँ रहूंगा, किनके पास रहूंगा। वो जगह देखता है कि कम कीमत में हो, दूर दराज जाके उसको रहना पड़ता है। ये माननीय सदस्य यहाँ कहीं बैठे उनको ध्यान होगा, वो उनके पास में भी आता है कि मेरे बच्चा यहाँ रह जाएगा तो वो पढ़ाई कर लेगा, आप उसको मेरे पास, मेरे यहाँ रखो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी को कि मंत्री जी आप घोषणाएं करो, आप ये मादा दिखाओ और सरकार ये करे कि जो छात्रावास संचालित होकर और उनमें पढ़ के जो बच्चे जयपुर आएंगे, वो जो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़ा हो, जिनके छात्रावास आपके विभाग के माध्यम से संचालित हो रहे, उनके लिए हर 200 विधानसभा के अनुपात में हर विधानसभा का अनुपात देकर और जयपुर के अंदर एक छात्रावास समाज कल्याण का बड़ा खोला जाए, जहां केवल कोचिंग करने वाला छात्र आके यहाँ पढ़े और उसके माता पिता को जो है एक्स्ट्रा भार उस पर नहीं लेना पड़े। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। बाकी मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे निष्क्रमणीय पशुपालक है, जिनके आपने आवासीय विद्यालय विभिन्न सरकारों ने कई जगह खोले हैं, जिनके माता पिता अपने पशु लेके एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं और उनके बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए हमने निष्क्रमणीय पशुपालकों के विद्यालय खोले हैं। मैं समझता हूँ कि उनमें भी कहीं एक जगह उनको महाविद्यालय में परिवर्तित करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी जब आप जवाब देंगे तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि हमारे राम सिंह जालोर में, साचौर चितलवाना और बाकासर सेडवा, ये जो बॉर्डर है पूरा, वहाँ कई जगह देख के और निष्क्रमणीय जो पशुपालक है उनके लिए एक आवासीय विद्यालय और खोला जाए, ये आपके माननीय मंत्री महोदय से मैं मांग करूँगा। मैं दो बातें और आपको कहना चाहता हूँ विशेष योगजन के बारे में। आज जो दिव्यांग है हम उनको विभिन्न स्कूल स्कीमों में लाभान्वित तो करते हैं, मगर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पूर्ति हम पहले कैसे करेंगे। मैं सरकारों में नहीं जाना चाहता कि किस सरकार में भर्ती कितनी हुई क्या है, इस मौके पे हम बजट में कह चुके, मैं समाज कल्याण और उसी पे आपको बोलना चाहता हूँ, मगर आप लोग ये जो हमारे छात्रावास है, ये जो स्कीम्स है हमारी समाज कल्याण की, ये जो हम दिव्यांग की बात करते हैं, विशेष योगजन की बात करते हैं, जब तक इसके अंदर ये पद नहीं भरे जाएंगे तब तक हम हमारी सेवाएं नहीं दे पाएंगे और एक प्रकार से कुटाराघात इन व्यक्तियों के साथ में होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके विभाग का जो प्रयास और प्रगति का 23-24 का जो था उसके माध्यम से, और उसके बाद वाला मैं आपको सिर्फ ज्यादा आंकड़े नहीं बताना चाहता, मगर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सामाजिक सुरक्षा के अधिकारियों के 150 के करीब पद खाली पड़े, हमारे जो सूचना सहायक है उनके 225 के करीब पद खाली पड़े, छात्रावास अधीक्षकों के 300 के करीब पद खाली पड़े, और जो चतुर श्रेणी कर्मचारी है, जो चौकीदार वहां रहेगा, जो अधीक्षक उसको संभालेगा, जो बच्चों को खाना खिलाएगा, जो रसोईया है, जो चतुर श्रेणी का व्यक्ति है, वहां 2047 में से करीबन 1650 हमारे पद खाली पड़े हुए हैं। और वो पद अगर खाली पड़े हैं तो आप समझो कि कैसे तो खाना बनेगा, कौन चौकीदारी करेगा, कैसे काम पूरा होगा। मैं मानता हूं कि अगर किसी विभाग के अगर अंदर बजट कम भी पड़ेगा तो चल सकता है, मगर समाज कल्याण, दिव्यांग और अधिकारी का जो विभाग है हमारा, उसके अंदर अगर पद नहीं भरे गए और जो आपके ब्लॉक लेवल के ऑफिसर है अगर उसके अंदर प्लग नहीं भरे गए, एक ब्लॉक में एक ऑफिसर रहना चाहिए, उसके पास 3-3 चार्ज है, अगर वो चार्ज खत्म नहीं हुए तो इन बच्चों के साथ में और इस प्रदेश के भविष्य के साथ में और ये जो वर्ग इसमें लाभान्वित हो रहे उनके साथ में हम लोग जो है वो धोखा करे, कटुराघात हो रहा है। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, विशेष योगजन की एक बात
दो बातें कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। विशेष योगजन में हम उनको लाभान्वित करना चाहते हैं। मेरा मंत्री महोदय से दो निवेदन है उनके बारे में, हम उनको स्कूटी की योजना से लाभान्वित करते हैं, वो ठीक बात है, और स्कूटी उनको देते हैं। अब वो स्कूटी लेके घर जाता है, आने जाने का उसको पेट्रोल का भार खुद को जेब से देना पड़ता है, बेरोजगार भी होते हैं कई लोग उसमें से, और जो रोजगार पे लगे हैं उनकी अलग बात है। मेरे दो निवेदन है उनके लिए आपसे। पहला निवेदन कि जो ये विशेष योगजन है जिनको स्कूटी दे रहे हैं, उसकी जगह आप उनको ई रिक्शा का प्रावधान करो। अगर वो मुख्यालय पे आया है और अपने घर या गांव वापस जा रहा है तो वो ई रिक्शा के माध्यम से जाए और उसके अंदर वो सवारी भी लेके जा सकता है, तो उनको घर छोड़ सकता है, उसको रोजगार की आमदनी हो जाएगी। जो आपके नौकरियों में लगे हुए हैं, कई लोगों के ज्ञापन भी आए थे, उनमें से कई लोग कह रहे कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा भार आता है, दूर जाना पड़ता है चलकर, कोई स्कूटी चलाता है कोई नहीं चलाता है, बस में जाता है, पंचायत समिति गया, नगर पालिका गया, जहां भी वो काम कर रहा है वहां गया। हम लोगों ने सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, आप एक बार उसका प्रयोग कीजिए, हफ्ता एक हफ्ता पांच दिन महीने में उसको वर्क फॉर होम दे, ताकि वो व्यक्ति घर में रह के अपना दूसरा काम भी निकाल सके, आने जाने का भार भी उसके ऊपर नहीं पड़े और उस दिव्यांग को जो है मदद मिल सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं दिव्यांगों के लिए आपको कहना चाहता हूं, हम उनको मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना में उनको लाभान्वित करते हैं, लोन देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब वो लोन देने की बात विभाग करता है और 50,000 रुपए उसको जो सब्सिडी लोन बैंक खाते में हस्तांतरित होती है, वो बैंक खाते में सीधी हस्तांतरित हो जाती है। अब वो जब लोन लेने जाता है तो उसको कहते हैं आप इसकी मार्जिन मनी भरो, वो पैसा बैंक कहता है आएगा जब आएगा, मार्जिन मनी तो आपको देनी है हमको। अब वो पहले तो खुद पैसा इकट्ठा करता है, उसके पास में स्थिति नहीं होती है, वो मार्जिन मनी भरता है, फिर जब वो पैसा बैंक के अंदर आ जाता है उसके खाते के अंदर, उसको पता ही नहीं कब आया है, वो पैसा कहाँ गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके जो स्टेट लेवल बैंकर्स की जो समिति है, उस समिति से आप बात करें, अन्य माध्यम से बात करें, और ये जो बना रखा है 2 लाख तक का जो उनका लोन है उसके अंदर उनको जो मार्जिन मनी पहले भरनी पड़ती है उससे उनको मुक्त कराओ। इसी वजह से आपका 50% जो है इस मामले में बजट जो है आपका खर्च नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको देखें। और दिव्यांगों के बारे में एक अंतिम बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी RPWD का एक्ट है मंत्री महोदय, उस एक्ट के अंदर 92(1) और 92(2) का प्रोविजन है। आप विभिन्न थानों में या आपके विभाग के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करना कि आज दिन तक ये दोनों जो सेक्शन है 92(1) और 92(2) उसके अंदर कितने मुकदमे इन लोगों ने दर्ज किए और कितनी जगह जो ये पीड़ित हुए इनके पक्ष में खड़े हुए। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी सरकारें रही हो, इन मामलों के बारे में उन्होंने इस जो RPTW एक्ट जो है जिसमें 92(1) और 92(2) का मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। और जो निजी शिक्षण संस्था हुए उनमें ऐसे मामलों में कौन कार्रवाई करता है, आयुक्तालय करेगा या निदेशालय करेगा, इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करना। तो ये जो वर्ग है इसकी मदद में सच्चे रूप से जो है हम लोग खड़े हो पाएंगे। आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा था और माननीय जनजातीय मंत्री जी से सिर्फ दो मेरा निवेदन है विशेष करके। एक तो हमारे साथी ने अभी जो पहले कह दिया है मैं उसका पक्ष कर रहा हूं कि जो TSP एरिया उसको तो छोड़ो, जहां नहीं है वहां तो उनके पास लाइट नहीं है, चिकित्सा बिजली और पानी की तो हम बात करते हैं, और वो जो हमारे ST के लोग हैं वहां रह रहे हैं उनको जनरल के लिए कृषि कनेक्शन के लिए आज उसी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी आप इस हिम्मत को दिखाते हुए बातचीत करें विभागों से और आज ही सदन में घोषणा करें कि जो TSP एरिया नहीं भी है वहां जो ST के लोग रह रहे उन ST के लोगों को SC के तर्ज पर और अन्य जगह जो ST को कनेक्शन दिया जाता है वहां बिजली में प्राथमिकता से बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं इस राजस्थान के लिए सबसे बड़ा अच्छा संदेश आज की तारीख में आपके विभाग की तरफ से ये जाएगा। और दूसरा अंतिम मेरे हमारा जो जिला है, अब सिरोही में तो
टीएसपी एरिया कई जगह लटता है, जालोर में नहीं है, मगर सिरोही से अड़ता हुआ जो पूरा जालोर का इलाका है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जसवंतपुरा हो, सुंदा माता जी का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र भी है जालोर जिले के अंदर, उसके अंदर 40% से अधिक आबादी एसटी की कई गाँव में है और वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे। अब उसको टीएसपी क्षेत्र घोषित करना कितनी बड़ी प्रक्रिया क्या होती है हम सब जानते हैं, हम तो चाहेंगे उसको करना, मगर जब तक उस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाए, जब तक वो प्रक्रिया आके और उनको लाभ नहीं मिल सके, तब तक कम से कम आप सरकार की तरफ से कैबिनेट में ऐसा प्रस्ताव लाए, आप विधानसभा में लाए और ये तय कराए कि भले वो टीएसपी एरिया नहीं है मगर जिन गांवों में आबादी करीबन 40% हो चुकी है जो टीएसपी एरिया नहीं है वहां एसटी के समाज की, तो जो स्कीम्स हम लागू कर रहे हैं वो स्कीम्स वहां लागू हो जाए और उनको वो लाभ प्राप्त हो जाए उस स्कीम से, तो भी उनका जीवन स्तर जो है वो अच्छा बढ़ जाएगा और जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। यही निवेदन मैं आपसे करते हुए अंत में मेरी बात समाप्त करने से पहले एक निवेदन आपको करना चाहता हूं कि हमारे वहां सिरोही जिले में माउंट आबू में भील और राणा समाज की सबसे बड़ी आबादी है और महाराणा प्रताप जी जब अरावली के जंगलों में घूमे और वहां विभिन्न शेरगांव हो, उत्तरज हो या अन्य इलाका हो जहां उनकी यादें आज भी है, जहां स्मारक जैसे भी बने हुए हैं, वहां ये भील राणा समाज के लोग उनके साथ में घूमे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में उसके बॉर्डर पे, उसके बफर जोन पे ये जो भील राणा समाज के हमारे लोग रह रहे, विशेषकर सीतावन नाम की जो बस्ती है, जो सीतावन नाम भी उसका जो है वो हमारे पुराने समय में जो कोई ना कोई किसी ने योगदान दिया होगा जल जमीन और जंगल में, उसको लेकर वो नाम पड़ा हुआ है, उसको लेके वहां के नगरपालिका बोर्ड ने प्रस्ताव कर दिया कि इनको बसाया जाए, जमीन बता दी, फॉरेस्ट वाले ने सर्वे कर दिया कि इनका कितना बना हुआ था, उसके बावजूद जो है हम कामयाब नहीं हो पाए उनको बसाने के लिए। चंद घर है थोड़े बहुत और आराम से वो काम हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है इसकी पूरी जांच कराते हुए उन लोगों को जल्दी बसा दिया जाए ताकि वो आराम से अलग जगह बस जाए, रोज उनको फॉरेस्ट की और अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और वो अपने जीवन में और अपने रोजगार में लग जाए। यही निवेदन अपना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं माननीय समाज कल्याण के हमारे मंत्री जी से कहना चाहूँगा अंत में कि माननीय मंत्री जी, बहुत बड़ा विभाग है, आप और हम सब साथी है इस विधानसभा के अंदर, आपको भी अच्छा मौका मिला यहाँ कैबिनेट मंत्री बन के और आपका विभाग जो है, आपके विभाग के जो भी आपकी बुकलेट्स और प्रतिवेदन आते हैं उसके ऊपर गांधी जी का, अम्बेडकर जी का, ज्योतिबाई फुले का, सावित्री बाई का फोटो लगाया जाता है और आप खुद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और ये समय है कि राजस्थान में ऐतिहासिक काम करके आपकी भी आप छाप छोड़ो। और आपने जो बजट पढ़ा आपका विभाग का, उस बजट में 96 नंबर सुशासन में आपने प्रधानमंत्री जी के संबंध में वाक्य लिखे थे। मैं आशा करूंगा कि अगला बजट जब भी आएगा और आप इस सीट पे होंगे तो जो ये लिखे हुए बातें हैं उसको आप पूरा करोगे तो अगले बजट में हम भी आपकी तारीफ करेंगे और अगर इसका आपको पूरा नहीं कर पाए तो जो प्रधानमंत्री जी के जो स्लोगन के बारे में आपने 96 नंबर पर लिखा हुआ है उस बजट के अंदर, वो कारगर नहीं हुआ, पर आपको मौका है, हर व्यक्ति, कोई हम भी वहां बैठे आप वाली बेंच के वहां आज यहां से बोल रहे हैं, पर जो व्यक्ति को मौका मिलता है तो उसको पूरा उसका लाभ लेना चाहिए और एक छाप छोड़नी चाहिए। आपके इस विभाग में कई एनजीओ वाले आएंगे, कई बातें करेंगे, समाज कल्याण को ऊपर लाने की बात करेंगे, मगर आप ये ध्येय रखना कि ये एनजीओ वाले कुछ करे कि नहीं करे, मगर आपके निर्णय और आपके फैसले इन छात्रों को और इन वर्गों को कल्याण तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और आपका आप सभी का सभापति महोदय आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमृतलाल जी मीणा। माननीय सभापति महोदय,